हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा न्यू टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी हम दो तरह की रिएक्शन पढ़ते हैं, एक होता है SN1 रिएक्शन और एक होता है SN2 रिएक्शन। बट आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन होता क्या है बेटा? ये न्यूक्लियोफिलिक, N का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियोफिलिक, S का होता है सब्स्टिट्यूशन और टू का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूल रिएक्शन। ओके, एक बार फिर से देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूल रिएक्शन, मतलब इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ये दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आइए इसके बारे में जानते हैं, ये कैसे अकर होता है और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। बेटा सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो समझते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना। सपोज हमारे पास कुछ इस तरह का ग्रुप है, यहाँ पे एक कार्बन है, एक हमने ले लिया मिथाइल क्लोराइड। ओके, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा है, एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है और एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन है। हमारे पास कुछ इस तरह की स्पीसी है, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं न्यूक्लियोफाइल से। किसी भी न्यूक्लियोफाइल से हम इसका रिएक्शन करा देते हैं। सपोज हमने इसका रिएक्शन करा दिया KOH से। अब ये जो KOH है ये क्या करेगा, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा, डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है। तो ये जो होता है ये बहुत ही अच्छा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहाँ पे भी तो एक न्यूक्लियोफाइल लगा है, अब क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। लेकिन अगर यहाँ OH ने यहां से अटैक किया तो इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है और इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों नेगेटिव चार्ज में आपस में क्या हो जाएगा, रिपल्सन शुरू हो जाएगा। तो यहां से ये फेवरेबल नहीं है, ये रिएक्शन फ्रंट से फेवरेबल नहीं है। तो आप क्या करेगा, अब ये जो OH माइनस है ये बैक साइड से अटैक करेगा, इस पोजीशन से अटैक करेगा। तो जब इस पोजीशन से ये OH अटैक करेगा तो बेटा यहाँ पे ये H भी है, ये वाला H भी है और ये वाला H भी है, और यहाँ पे अगर सपोज OH ने अटैक किया और यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बना वो कुछ इस तरह का बना, OH ने यहाँ पे अटैक किया तो एक बॉन्ड यहाँ OH के साथ फॉर्म होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है जो डैश पोजीशन पे है और एक हाइड्रोजन है जो वेस पोजीशन पे है, ठीक है। और यहाँ पे एक Cl है जो कि क्या है, अब ये निकलना चाहेगा। तो बेटा जब यहां से Cl निकलेगा तो हम क्या देख रहे हैं, ये वाला पूरा ये प्लेस क्या है, पूरा खाली हो जा रहा है। और अगर हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसका बॉन्ड एक ही साइड में तो सारे ग्रुप्स लग रहे हैं, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, एक साइड में कम होता जा रहा है। तो ये अपने बॉन्ड एंगल को स्टेबलाइज करने के लिए, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर को स्टेबलाइज करने के लिए इसमें इन्वर्जन होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ये क्या करेगा, ये जो पार्ट होता है ये, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, ये क्या होगा, ये इन्वर्स हो जाएगा, ऐसे पलट जाएगा। तो जब ये पलट जाएगा तो ये OH यहाँ पे आके अटैक हो जाएगा। तो ये देखते हैं ये कुछ इस तरह की स्पीसी बनेगी। ये फ्रंट पे था तो ये बैक साइड से आएगा बेटा। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है इसका हाइड्रोजन यहाँ पे इन्वर्स हो जाएगा, दूसरा वाला हाइड्रोजन यहाँ चला आएगा, मतलब इस पोजीशन से पलट के इधर चला जाएगा। और ये जो OH माइनस है ये यहाँ पे आके अटैक होगा और ये यहाँ पे क्या है, H। तो हमें कुछ इस तरह के स्पीसी मिलेंगे। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को, इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, SN2
मैकेनिज्म। आइए इसके कुछ और रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। सपोज हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल है, इसके बेस पोजीशन पे यहां पे क्या लगा है, यहां पे बेस पोजीशन पे मैं लगा देती हूं Cl, ओके, और इसकी रिएक्शन मैं करा देती हूँ NaI और एसीटोन से, ओके। अब क्या होगा बेटा, ये जो I है ये भी नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, ये भी नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो ये यहाँ पे फिजिबल नहीं होगा, ये रिएक्शन इधर से नहीं होगी, ये रिएक्शन किधर से होगी, बैक साइड से। तो जब बैक साइड से होगी तो ये वेस्ट पे है, तो जो आई आएगा वो कौन से पोजीशन पे आएगा, वो डैश पोजीशन पे आएगा। यहीं पे बना देती हूँ, ये जो आई है ये कौन से पोजीशन पे है, ये डैश पोजीशन पे आएगा। एक और रिएक्शन देखते हैं, सपोज हमारे पास कुछ इस तरह की स्पीसी है, ओके, और इसकी रिएक्शन हम NaOH और वाटर से कर दें, कुछ नहीं है, सिंपली ये OH कहां पे आ जाएगा, इस Cl पे आ जाएगा। ओके, तो बस हमें ये देखना है अगर ग्रुप में इन्वर्जन पॉसिबल है तो हम उस पर्टिकुलर ग्रुप पे आसानी से क्या कर सकते हैं, इन्वर्जन करा सकते हैं। आइए कुछ और रिएक्शंस देखते हैं। ये सपोज हमारे पास कुछ इस तरह की स्पीसी है, यहां डैश पोजीशन पे Cl लगा है और यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप लगा है, डजंट मैटर क्या लगा है, और इसकी रिएक्शन हम करा दें NaCN से, ओके बेटा। तो NaCN के से रिएक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, DMF। अब क्या होगा, ये जो CN है ये सामने से तो अटैक करेगा नहीं, क्योंकि इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो अपने इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये बैक साइड से रिएक्शन करेगा। तो जब बैक साइड से रिएक्शन करेगा तो हमें क्या मिलेगा, ये डैश पोजीशन पे है, तो अगर इसने सीएन ने बैक साइड से अटैक किया है तो हमें कौन सा पोजीशन मिल जाएगा, बेस्ट पोजीशन। बेस्ट पोजीशन पे क्या मिलेगा, सी और एन, ओके। आइए का एक दो रिएक्शन और जानते हैं, एक दो रिएक्शन के बारे में। सपोज हमारे पास कुछ इस तरह की स्पीसी है, ओके क्लास, और यहाँ पे एच है, यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे सी एस थ्री है, यहाँ पे सी एस टू सी एच थ्री है, ओके। अब इसकी रिएक्शन हमने करा दिया एन ए एन थ्री से। अब आप बताइए ये जो एन थ्री है ये कौन से पोजीशन पे है, यहाँ पे बी आर कौन सी पोजीशन पे है, नहीं यहाँ पे पोजीशन की बात नहीं होगी आई थिंक, ठीक है, बस ये देख लीजिए यहाँ पे बी आर सामने है, फ्रंट पे है, तो जो आपका एन ए थ्री आएगा, एन थ्री आएगा, वो कहाँ पे अटैक करेगा, वो यहाँ पे अटैक करेगा कि बैक साइड से अटैक करेगा, वो बैक साइड से अटैक करेगा, अभी हमने आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया था। तो जब ये बैक साइड से अटैक करेगा तो यहाँ पे एच भी हो जाएगा और एन थ्री भी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टेबल नहीं होगा, इसलिए इस एच प्लस का ये जो एच है इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की स्पीसी मिल जाएगी। जो N3 है वो यहाँ पे आके लग जाएगा, इन्वर्जन होके H इधर जाएगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 CH3 ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं।
सपोज हमारे पास ये वाला ग्रुप है और इस पे हमने लगा दिया है एन ए, कौन सा रिएजेंट वो है, रिएजेंट एन एस एस सी एच थ्री। अब क्या होगा बेटा, ये जो क्या है ये बहुत ही अच्छा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक तो करेगा लेकिन फ्रंट से ना अटैक कर करके ये क्या करेगा, ये इसके बैक से अटैक करेगा। ये वाली रिएक्शन फिजिबल नहीं, ये वाली रिएक्शन फिजिबल है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका क्या, कौन सा ग्रुप लग जाएगा, एस और एस सी एच थ्री। तो ये आज ये क्या है, ये सारे कौन से रिएक्शन होते हैं, ये सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। और जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो टू मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं SN2 रिएक्शन। ओके गाइस, तो आज हमने इस वीडियो में क्या जाना, SN2 रिएक्शन और इसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स आने और इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में जाना। थैंक यू।